आपने अपने जीवन में एक पूजी के रूप में कमाया है, मैं उनका इस अल्मोड़ा नगरी में हार्दिक अभिनंदन हार्दिक स्वागत करता हूँ। सर्वप्रथम मैं अपने स्वागत करें हमारे बीच में हमारे पूर्व विधायक रमेश जी हमारे बीच में पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रदेश के उपाध्यक्ष अल्मोड़ा नगरी में हार्दिक अभिनंदन हार्दिक स्वागत करते हैं। राज्यपाल पद से त्यागपत्र देकर के आया हूँ। महाराष्ट्र एक उन्नत प्रदेश है, वो केवल देश की इकोनॉमिक राजधानी नहीं है बल्कि वहाँ कृषि बागवानी अन्य क्षेत्रों में भी बहुत बड़ा काम होता है। और एक हमारे सामने जब हमने उत्तराखंड की कल्पना की थी तो ये सोचा था कि यहाँ ये आत्मनिर्भर बनाएंगे और जो यहाँ से पलायन होता है वो रोकेंगे। अपने ध्यान होगा हमारे पिछले मुख्यमंत्री ने पलायन आयोग भी बनाया जिसने स्टडी भी कर रखी है। तो मेरा ये अनुभव आ रहा है कि यहाँ अनेक लोग अब हमारे युवा लोग बम्बई दिल्ली छोड़ कर के आ रहे हैं और वो यहाँ बागवानी कर रहे हैं, कोई सेब लगा रहा है, कोई केवी लगा रहा है, कोई मछली पाल रहा है। तो मैं यहाँ केवल इसलिए कि प्रधानमंत्री का सपना है कि उत्तराखंड आत्मनिर्भर बनाए, देश आत्मनिर्भर बनाए, और इसलिए मैंने प्रधानमंत्री से कहा कि मैं चाहता हूं कि जीवन के बचे खुचे जो मेरे दिन हैं वो मैं उत्तराखंड में वहां के लोग आत्मनिर्भर बनाए। और इन सरकार की अनेक योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की, उन योजनाओं का लाभ लें और उन योजनाओं का लाभ कर लेकर के केवल हम नौकरी चाहने वाले न बनाए, नौकरी देने वाले बनाए, आत्मनिर्भर बनाए, उस दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिए मैं घूम रहा हूँ और जनता का प्रेम मिल रहा है। हम चाहते हैं कि ढोल भी न बजाए, धमावे भी न बजाए, बसते हैं तो मना नहीं कर सकते। गांव खाली हो रहे पलायन को लेकर, सारे गांव खाली हो रहे पलायन कर रहे। जी जी, इसीलिए आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अब आप गुंजी चले जाइए, लास्ट गांव है, तो वहां जितने हमारे लोग हैं सब अफसर बन गए, उन्होंने अपने घरों को होम स्टे के लिए बना दिया है। और यहाँ से सरकार हमारे कुमाऊं मंडल विकास निगम सीधे यात्रियों को गुंजी और छोटा कैलाश ले जा रही है। एक नए युग की शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री ने अगर ये कहा कि अगला दशक उत्तराखंड का है तो मुझे लगता है कि वो दशक उत्तराखंड का बनना चाहिए और उसमें मेरे से छोटे से कार्यकर्ता से लेकर आप जैसे जो बड़े बड़े पत्रकार मीडिया के हमारे चैनल वाले हैं आप सबका सहयोग मिले और उत्तराखंड आत्मनिर्भर बने और उस दिशा में प्रदेश और केंद्र सरकार का क्या आम जनता का सपना साकार हो। राहुल गांधी की संस्था को लेकर, हाँ जी राहुल गांधी की संस्था, अब वो तो ऐसा है कि राजनीतिक प्रश्न मैंने कहा मैं आजकल उत्तर देता ही नहीं, कोई विकास संबंधी बात हो तो बोलो।